हेलो बच्चों, मैं हूँ सुधा डबराल। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमें थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5.7 एंड 9/11। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 5.7 और 9/11 रैशनल नंबर्स हैं और इनके बीच हमें थ्री इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो सिंपल, बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 को डिवाइड करेंगे। ओके, 5/7 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 0, तो 7/7 = 49, फिर 1 आया, फिर 0, तो 7/7, फिर कितना आया, 3, फिर आप 0 लगा देंगे डेसिमल की वजह से, और फिर 7/4 = 28, हमारा आंसर कितना आया, 2 आ गया, है ना। ओके, फिर 0, फिर 7/2 = 14, फिर हमारा आंसर कितना है, 6, फिर 0, फिर 7/8 = 56, हमारा आंसर कितना है, 4, फिर 0। ओके, अब 7/5 = 35, हमारा आंसर कितना है, 5 आया। तो देखो बच्चों, जब हमें क्वेश्चन दिया गया था 5/7, तो 5 को डिवाइड करना था 7 से, तो हमने 5 को जब 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये सब आ गया, यहाँ पे 0 लगा दो, ये सब आ गया, और करते करते फिर दोबारा से 5 आ गया। यानी कि जब ये दोबारा से 5 आया है, रिपीट हुआ है, तो यही फिर से वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, ठीक है, और ये कंटिन्यू ऐसा चलता जाएगा। तो क्यों हम आगे करें, हम सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे, इन नंबर्स के ऊपर बार लगा देंगे। तो बार हमें ये बताता है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स पे अगर बार लग जाता तो ये एक्सप्लेन करता है वो बार कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें 5.7 का तो आंसर मिल गया। अच्छा, अब 9/11 का भी करते, तो 9 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, डेसिमल 0, 9/11 = 88, 2 फिर 0, 11/11 फिर 9, 0। अब यहाँ देखो फिर से क्या हुआ, 9 आ गया, जो क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि 9 को आप 11 से डिवाइड कर रहे थे, फिर वही प्रोसेस आ गया कि 9 आ गया, तो फिर आप 11 से डिवाइड करोगे, फिर यही सब आएगा, यानी कि 0.81 जो है ये रिपीट हो रहा था, हम इस पर बार लगा देंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो, जब हमने 5/7 को जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.714285 बार, और जब हमने 9/11 को जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.81 पर बार। ओके, तो हमारे पास ये आंसर आया। तो अब हमें इन दोनों के बीच के थ्री इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो हम लिखेंगे द थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.7 से स्टार्ट हो रहा है, 7/1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, इससे ग्रेटर नंबर ले लेंगे, 7/1 से ज़्यादा बड़ा, है ना। तो हम यहाँ ले सकते हैं 0.72072 0 7 2 0 7 2 2 0 7 2 3 0 7 2 0.72, के बाद क्या था, 3 3 7 7 3 7 7 7 3 7 7 7 7, आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप खुद देखो ये जो नंबर्स हैं ये इससे ग्रेटर हैं, है ना। अच्छा, अब एक नंबर ऐसा करते हैं जो 8 की लाइन में, 81 है, तो 81 से पहले क्या था, 80, 0.8082083081234 8। तो देखो ये तीनों जो इरेशनल नंबर्स हैं वो इनके बीच में, देखो 7/1 है, 71 से ग्रेटर है 7/2, है ना, और 7/3, और 8081 से स्मॉलर है ना। तो यानी कि ये जो तीनों रैशनल नंबर्स हमने जो फाइंड आउट किए वो इनके बीच में आते हैं। और इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 भी फिनिश कर दिया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और कमेंट करना ना भूलें।